मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे, आज आप सबके लिए YCMOU के BCOM FY के COM 107 पेपर को लेकर के आया हूँ। यह पेपर मित्रों 2018 का है, मतलब लास्ट ईयर का है। बहुत सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, सर इस पेपर में से कितना आएगा। देखो भाई, कोई गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और ऐसे ही 3 साल के पेपर सॉल्व कर लेते हैं, मेरे वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू डाउनलोड YCMO ओल्ड पेपर्स, 2 वीडियो है उसका, जाके देख लीजिए। उसमें सारी लिंक दी हैं, 2017 और उसके पहले की। 2018 का पेपर कहीं नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट कि PDF भेजो सर व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, क्योंकि लाखों स्टूडेंट हैं, मैं नहीं भेज सकता इंडिविजुअली। इसी वीडियो से देख करके डाउनलोड कर लो मेरा वीडियो, पॉज करके देखो बार बार। मित्रों को शेयर करना ना भूलें। क्यों शेयर करना है? मान लो ये लिंक कभी आपसे गुम हो गई, कहीं मिस हो गई, नहीं मिल रही है, तो आपके मित्र आपको दे देंगे पुनः। कैसे चेक करते हैं किस ईयर का है? नीचे लिखा रहता है। आगे बढ़ते हैं। 80 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क का इंटरनल रहता है, आपको पता ही है, कॉलेज आपका देता है स्टडी सेंटर। सारे क्वेश्चन 5 5 मार्क के, सेम फंडा। 4 क्वेश्चन रहेंगे मेन, 1 2 3 एंड 4, और हर एक क्वेश्चन में 5 5 सब क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से देखो, वहाँ ABCDE, मतलब 5, 2 में भी सेम फंडा ही भी देते हैं, 2 आगे होंगे 100%। चार, फिर 5 में भी हुए थे, 3 में वैसे भी 4, तो कुल मिलाकर के आपको 4 4 करना है। हर एक क्वेश्चन में 5 5 है, तो 4 करना है। चलो, आपको 3 से 5 क्वेश्चन थियरी के आते हैं, तो इसमें देखो पहले क्वेश्चन में 3 थियरी के। व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स? डिस्क्राइब इन शॉर्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग और क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे क्लासीफाई करोगे एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने मार्क का? 5 5 मार्क का, 3 हो गए, 15 मार्क के हो गया। थियरी है, आप लिख लेंगे। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर थियरी भी पढ़ के जाते हैं तो फेल नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चंस इतने, ये सब एग्जांपल्स हैं बुक के, बता दूं आपको। प्रिपेयर अ सिंपल वायर डायग्राम, देख लें इसका सिंपल वायर डायग्राम बनाओ, इसका मीन कैलकुलेट करो, ये सब एग्जाम्पल दी हूँ। केवल एग्जाम्पल पढ़ के जाओगे मैथ्स में तो पास हो जाओ। यहाँ एक थियरी है, दूसरे में ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन करने से कोई चीज़ आसान हो जाती है, इसको ध्यान रखना है, दिखने में समझने में आसान होता है। अरिथमेटिक मीन निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, और ऊपर क्या था, ड्राई फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन हो गया, वीडियो डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके वीडियो पॉज कर करके नोट कर लेना, या टेक्स्ट बुक में टिक लगा देना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा चौथा क्वार्टाइल डेविएशन पर एक क्वेश्चन आ गया है, उसको पढ़ लेना। और इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज़ को डायग्राम से दिखाने का क्या फ़ायदा है। तो हर क्वेश्चन देख रहे हो, दो दो थियरी आ रहा है। अब क्वेश्चन 3 में देखते हैं कितनी थियरियाँ हैं। 2 थियरी ए बी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, कोरिलेशन पढ़ने के मेथड्स, तरीके क्या क्या हैं, और दूसरा है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत ईजी है, मतलब 2 थियरी 3 प्रैक्टिकल, 2 थियरी 3 प्रैक्टिकल, यही फंडा इनका चल रहा है। ये FY BCOM का स्टेटिस्टिक्स का पेपर है, जिसे मैथ्स भी कहते हैं। फिर आगे मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, फिर आगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, फिर आगे मीडियन फाइंड करना है, बस ये तीनों पढ़ लेना। ध्यान दीजिए, इस पेपर को सॉल्व करने से आपको मदद बहुत मिलेगी, बट आई कैन नॉट एश्योर किस में से पेपर आएगा। 2 4 क्वेश्चन फंसते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम के पहले ही बताता हूँ उसके। आप बोलो कि अभी ये बता दो, नहीं बताऊँगा, वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले बताऊँगा। आप खूब पढ़ाई करिए, इस क्वेश्चन पेपर से बुक सॉल्व करिए। फिर से देखिए, 3 थियरी आ गई, 1 2 3, या तो 4 थियरी होगी 5वीं। मतलब अगर थियरी थियरी किया जाए तो बच्चा 40 मार्क का कर लेगा, 40 से 50 मार्क। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ डायग्राफ पूछ लेता है, क्लास इंटरवल क्लास लिमिट पूछ लेगा, और डीमेरिट्स ऑफ मोड, मोड की डीमेरिट्स क्या है।
आगे टेम्परेचर ऑफ टू सिटीज दिया गया इन डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या निकलना है, इन विच सिटी हैज मोर वेरिएशन, सारे 5 मार्क हैं। एक काम करिए मित्रों, वीडियो बच्चों को शेयर कर दीजिए मित्रों को, और कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख करके तभी कमेंट करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, स्टैटिस्टिक पेपर विश्वास से आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय श्री राम।